So hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS, number one platform for your CSAT exam or you can say that GS paper 2. तो स्टूडेंट्स आज हमारा 33rd लेक्चर है, तो मतलब हम 32 लेक्चर इसके पूरे कर चुके हैं, ठीक है। और आज मेरे पास दो खास क्वेश्चंस हैं, बहुत खास क्वेश्चंस हैं और वो भी आपके UPSC CSAT 2023 के लेटेस्ट जो भी पेपर हुआ था हमारा उसके क्वेश्चंस हैं मेरे पास, क्लियर। व्हाई दीज टू क्वेश्चंस आर सो इंपॉर्टेंट बताऊंगा एक एक करके, बट पहले आपको क्या करना है, कोई डाउट हो तो ये नंबर नोट करो 9517717 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्लियर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है जी। और आपको लाइक शेयर तो वो तो बोलनी जरूरत नहीं, वो तो आपको ऑब्वियसली करना ही, क्लियर। तो चलो पहले फटाफट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा बाकी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। चलिए UPSC CSAT 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8-डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स 11 11 22 23 34 4 सच दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजिशंस एंड इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजिशन, की ऑड वाली ऑड पे, इवन वाली इवन पे, ये देखना कि ऑड पोजिशन ऑड आनी चाहिए, इवन पोजिशन इवन आनी चाहिए। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक नंबर दिया भाई 1 1 2 2 3 3 4 4, ये मेरे पास एक नंबर दिया बेहतरीन सा, ठीक है। वो मुझे क्या कह रहा है, सच दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन इवन डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, मतलब कहने का क्या है कि मेरे पास अगर 8 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब नंबरिंग चाहे यहाँ से कर लो, चाहे नंबरिंग आप यहाँ से कर लो, चाहे लेफ्ट से कर लो, चाहे राइट से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे दो गए, यहाँ पे तीन हो गए, यहाँ पे चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, आठ आ गए। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो ऑड नंबर कौन से हैं, अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूँ, वन है, थ्री है, थ्री है, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कि क्यों मैं फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू लेने वाला हूँ। देखो सपोज करो यहाँ पे मेरे पास चार ऑड नंबर्स आ सकते हैं, मैं वन भी पुट कर सकता हूँ, वन भी, मतलब इन चारों में से कोई एक नंबर मैं पुट कर सकता हूँ। सपोज करो इनमें से मैंने कोई एक नंबर यहाँ पुट कर दिया, तब कितने बचे यहाँ के लिए, तीन बचे। सपोज करो ये वाला वन मैंने रख दिया तो कितना बचा, वन तो रख दिया मैंने, क्या क्या पुट कर सकता हूँ, 1 3 3। सपोज करो फिर मैंने यहाँ पे वन रख दिया तो क्या कर सकता हूँ, 3 3। नेक्स्ट ऑर्ड में, लास्ट वाले ऑर्ड में क्या, एक तीन बचा तो एक तीन। तो इसका मतलब जो मेरा पहला नंबर है यहाँ के लिए चार मेरे पास नंबर थे जो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे कितने हैं, तीन नंबर्स हैं, यहाँ कितने हैं, दो हैं और यहाँ कितने हैं, तो मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4 3 12 2 24, यानी इसको मैं क्या लिखूँगा, बेसिकली 4 फैक्टोरियल लिखूँगा मैं, समझ आ गया मेरी बात, इसको मैं क्या लिखूँगा, 4 फैक्टोरियल। दूसरी बात देखो, अगर यही कॉन्सेप्ट मैं इवन के लिए लगाऊं, इवन कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से इवन नंबर कौन कौन से मेरे, आप कहोगे सर 2 2 4 4, ये मेरे पास इवन है, यानी 2 2 4 4 हो गया, क्लियर। एक दो रख दिया क्या बचा, 2 4 4, यहाँ क्या बचा, 4 4, यहाँ क्या बचा, 4, तो यहाँ भी कितना हो गया, 4, यहाँ कितना हो गया, 3 2 1, इसका मतलब ये भी कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल। बट अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, यानी ऑड पोजीशन के लिए 4 फैक्टोरियल, इवन पोजीशन के लिए भी 4 पोजीशन, दोनों चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या कर, देखो डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में चाहिए होता है रिपीटिशन, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए रिपीटिशन, यानी कितना हो गया, देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है, ये दो बार 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 रिपीट हो रहा है, क्लियर। यानी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, क्लियर। यानी 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल इनटू ऑफ 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, होपफुली सब दिख रहा होगा, यस। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल और इस 4 को ले गया साथ में, 4 3 12 3 36, ऑप्शन नंबर सी वॉज द
राइट आंसर। अब अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेके किसी को दिखाओगे ना सर खुश जाएगा क्या हो रहा है, बट मैंने एक्सप्लेनेशन ऐसी दी है ना कि आपको समझ आ गया हो इजीली, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, 10 बार फिर बता दूंगा, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो प्लीज छोड़ना मत। ये 4 बार डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मेरे पास 4 नंबर्स ऐसे हैं तो 2-2 बार रिपीट हो रहा, अगर 3-3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल लिखता उसको मैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइंड विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल द कलर्स रेड ग्रीन एंड येलो, वट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन दैट नो 2 adjacent स्ट्रिप्स हैव सेम कलर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट कन्फ्यूज कहाँ हुए मुझे भी पता है कि 4 तो स्ट्रिप्स हैं और 3 कलर्स हैं, तो हो ही जान दो, हमें क्या दिक्कत है। देखो सपोज करो एक फ्लैग ऐसे बन रहा है कुछ एक, ठीक है, वो कह रहा है कलर कौन कौन से मेरे पास, पहले मेरे पास रेड कलर है, देन वी हैव ग्रीन कलर, देन वी हैव येलो कलर, रेड ग्रीन येलो 3 कलर्स हैं। अच्छा एक बात सुनो मेरी बात, रेड ग्रीन और अगर येलो हैं तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, वट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट इन विच। देखो यहां पे अगर बात करूं मैं रेड ग्रीन येलो कोई एक कलर कर सकता हूं, अगर बेसिकली मैं सबसे ऊपर या सबसे नीचे शुरू करो ऊपर से कर लो डजंट मैटर आंसर सेम आएगा। अच्छा सपोज करो आपने यहाँ पर रेड पुट करते हो तो यहाँ क्या कर सकते हो, ग्रीन येलो में से कर सकते हो, है ना, ग्रीन या येलो में से। सपोज करो यहाँ आपने येलो कर दिया तो यहाँ क्या आ सकता है, रेड ग्रीन आ गया, आ सकता है। यानी बेसिकली अगर आपको यहाँ पे भी मैं कन्फ्यूज ना करूँ, मैं सिर्फ इतना सा लेके चलूँगा कि अगर मैं यहाँ देखूँ यहाँ 3 के 3 कलर पुट हो सकते हैं, सिंपल लेके चलो, छोड़ दो उसको भी, वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे कौन सा कलर आया कौन सा कलर नहीं आया। यहाँ पे 3 आ गए तो जो कलर यहाँ आ गया वो नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली यहाँ 2 आएंगे, 2 में से कोई लेकर तो कोई एक कलर फुट हुआ तो फिर भी कितने बचे, 2 कलर, फिर कितने बचे, 2, 3, 2, 2 एंड 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लेटेस्ट जो अभी एग्जाम आपका आया था 2023 का उसके क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आपने कर लिया, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और आपका माइक्रो कोर्स जैसे माइक्रो लेक्चर आज का इफेक्टिव बहुत शानदार, वैसे ही आपके माइक्रो कोर्स ही शानदार, मैं बताता हूँ विद इन सेकेंड्स, क्लियर। देखिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात, अपग्रेड योर स्पेसिफिक एग्जाम इंपॉर्टेंस टॉपिक्स थ्रू अभिपीडीएफ माइक्रो कोर्सेज, 2100+ सिलेक्शन टॉप 10, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ऑल इंडिया रैंक्स, फर्स्ट रैंकिंग पीसीएस एचसी एंड एचसीएस एंड एचएएस, क्लियर, चूज एग्जाम करेंगे सीसेट, ठीक है। देखो ऑल इंडिया सब्सक्रिप्शन, माफ कीजिएगा, ऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे, यहाँ वीडियो कोर्सेज या टेस्ट कोर्सेज, यहाँ पे मेरे छोटे कोर्सेज अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज, क्लियर। देखो सबसे पहले क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। देखो अब जैसे मैं बात करूँ, अभी मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आए, देखो 2023 में 7 क्वेश्चन, 22 में 6 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, 20 में 2 क्वेश्चन, तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो पिछले सालों में आए हुए हैं, क्लियर। मुझे क्या मिल रहा है, देखो सिर्फ और सिर्फ कितने का है, हाईली इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आप आगे जाओगे ना, मीडियम मीडियम, ये सब क्यों है, ये आपके लिए है कि आपको देखते ही विजुअलाइजेशन हो कि हाँ यार ये कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, बट ज़्यादा क्वेश्चन से पूछ रहे वही करके फायदा है। अब जैसे इसकी बात करें, देखो मैं बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूँ, 3 लेक्चर्स हैं मेरे पास, 3 वेब नोट्स हैं, और आपके पास क्या है, 205 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्या है मेरे पास, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रीवियस ईयर लेक्चर्स के वीडियो सोल्यूशन है, मतलब क्वेश्चन के, वेब नोट्स में क्या है, सारी सारी थ्योरी पार्ट है, 205 MCQs हैं। अगर इसी तरीके से मैं नंबर सिस्टम को देखूँ, नंबर सिस्टम में क्या मिल रहा है, देखो मुझे नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, 18 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, 17-18 क्वेश्चन आए, तो बहुत बड़ा नंबर आया था आपके पास, क्लियर। चलिए लोडिंग हो रहा है अभी, वेट कीजिए 1 मिनट। चलिए जैसे नंबर सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, क्या मिल रहा है, देखो 11 लेक्चर, 10 वेब नोट्स और 440 MCQs। तो इसमें क्या है, 10 लेक्चर्स में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी आपके पास, और सारी थ्योरी भी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। वेब नोट्स क्या होंगे आपके पास, वेब नोट्स आपके पास वो डाटा होगा
जो थ्योरी पार्ट होगा चैप्टर का, क्लियर। और आपके पास क्या है 440 एमसीक्यूज, मतलब आपके पास क्या होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन, प्लस आपके पास क्या होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्लियर। तो ये सभी के लिए अवेलेबल है, ये नहीं है कि सिर्फ इनके लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के आप कॉल मी या व्हाट्सएप जैसे भी चाहे आप काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, क्लियर। ये सारे के सारे हमारे पास कोर्सेज हैं जो सीसेट से रिलेटेड है, ठीक है। सर की मेंटरशिप की वीडियो, 25 साल का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। ये फ्री वूम ऑफ कोर्स है आपका, और ये क्या, ये हमारी 22 की सिलेक्शन से जिन्होंने अगेन प्रूफ किया कि अभिमन्यु आईएएस नंबर वन बना हुआ है अभी, क्लियर। चलिए, तो जैसे स्पर्श का 51, अर्ण 56, और ये देखिए इन्होंने खुद लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम फॉर द एफर्ट दैट यू हेल्प यू ऑल हैव पुट इन माई जर्नी। अर्णव, आई एम थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ अभिमन्यु आईएएस फॉर प्लेइंग अ रोल। दर्पण लिख रहे हैं, क्लियर। तो आप भी लिखिए, आप भी जुड़िए, और आप भी फिर ऐसे ही आपकी फोटो होगी, ठीक है। एक दिन ये भी आए थे उम्मीद लेके, तो पूरी टीम लग जाती है, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे लिंक आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।